नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दाद, खाज, खुजली और दिनाए को जड़ से ख़त्म करने का एक बहुत ही असरदार, बहुत ही कामयाब नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, दाद, खाज, खुजली ऐसी त्वचा से संबंधित समस्या है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत ही आसानी से फैलती है। यानी कि जिस व्यक्ति को या त्वचा से संबंधित रोग हो गया है तो उस व्यक्ति के कपड़े, तौलिए, रुमाल का इस्तेमाल अगर कोई अन्य व्यक्ति करने लगता है तो उसे भी त्वचा से संबंधित दाद, दिनाए, खाज, खुजली हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको यह त्वचा से संबंधित रोग हो गया है तो आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों से अपना रुमाल, तौलिया व बिस्तर कदापि शेयर न करें, नहीं तो उन्हें भी यह बीमारी हो सकता है। और यदि आपको दाद, खाज, खुजली, दिनाए हो गया है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही असरदार और कारगर नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनसे खाज, खुजली व दिनाए चाहे कितनी भी पुरानी हो, चाहे कितना भी फैला हो, उस पर असर ज़रूर करता है और मात्र एक सप्ताह के भीतर ही खुजली को बिल्कुल ठीक कर देता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है ये दोस्तों एलोवेरा लीफ को। एलोवेरा दाद, दिनाए, खाज, खुजली को जड़ से ही खत्म करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसके अंदर जीवाणुओं को मारने की अद्भुत ताकत होती है। तो इस तरह से आप इतना साइज का एलोवेरा लेकर के चाकू की सहायता से सबसे पहले इसके दोनों सिरों को काट दें, जिससे कि आप इसके जेल को बहुत ही आसानी से निकाल सकें। और फिर आप एक कटोरी में इसके जेल को कुछ इस तरह से निकाल दें। अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो आप मार्केट से मिलने वाले किसी भी प्रकार के एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो लगभग में हमने यहाँ पर 2 चम्मच जितना एलोवेरा लीफ से जेल को निकाल लिया है। और फिर आपको यहाँ पर अगला चीज़ लेना है ये दोस्तों कपूर की टिकिया को। कपूर त्वचा पर होने वाले लालिमा, खारिश, दाद, दिनाए की खुजली को मिटाता है। इसे लगाने से तुरंत खुजली में आराम मिलता है और यह आपको किसी भी किराने की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। तो आप यहाँ पर एक कपूर की टिकिया को ले करके अपने उंगलियों की सहायता से चूर करके इसमें डाल दें। और फिर आपको यहाँ पर लास्ट में लेना है ये दोस्तों इस तेल को। दोस्तों, यह तेल है नीम का और दोस्तों नीम फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ही जाना जाता है। यह स्किन पर होने वाले हर प्रकार के इन्फेक्शन, एलर्जी को दूर कर देता है। तो आप यहाँ पर आधे चम्मच जितना नीम का तेल ले लें। अगर आपको यह तेल आपके आसपास के मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। और फिर आप इन सभी को अच्छे से मिला दीजिए और मिलाने के बाद इसे लगाने से पहले सबसे पहले आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लीजिए और जहाँ पर दाद, खाज, खुजली या फिर दिनाए हुआ है पानी की सहायता से उसे धो लीजिए, जिससे कि वहाँ पर जितने भी गंदगी जमा हो गए होंगे, जितना भी कचरा जमा हो गया होगा, सब के सब धुल जाएंगे। और फिर आप एक छोटा सा कॉटन बॉल लीजिए और इस रेमेडी में इसे डिप कीजिए और जहाँ पर खाज, खुजली, दिनाए हुआ है वहाँ पर उसे लगाइए। 5 से 10 मिनट तक ला करके रखिए। इसका प्रयोग आपको एक दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। लगातार 1 हफ्ते तक प्रयोग करते हैं तो आपकी खुजली चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, जड़ से ही ठीक हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द जुड़ते हैं आपसे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।